मूवीज का ऑर्डर दिया था। हाँ, वो कारीगर कह रहा था कि आप आके उसे अप्रूव करेंगी तो बाकी बनवाएगा। बाकी बनवाएगा, हमारी तो प्रोडक्शन बंद ही हो गया। एक्सक्यूज मी मैडम, ये शायद थोड़े से वो डिजाइन है। ये लीजिए, चेंज दे देना। खुले मेरे पास नहीं है। आपकी इतनी बड़ी दुकान है, कहीं से लाए आप? ये लीजिए इनके 4 रुपए और इनका 500 रुपए का नोट वापस कर दीजिए। सॉरी, आप मुझे हर बार आप कैसे मिल जाते हैं? ये बात वैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन जरा सा वक्त लगेगा। ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ एक कप चाय पीजिए और चाय पीते भी रहेंगे, मैं आपको ये बात समझा भी दूंगा। अच्छा, चलिए फिर चाय पीते। चाय की ऑफर मेरी थी तो वहीं पिलाऊंगा जहां पे मैं पिला सकता हूँ, तो आप यहाँ से चलिए प्लीज। हाँ, ये रास्ता चलिए। देखिए, मेरी चाय पिलाने की एक शर्त भी है। शर्त क्या? उसे आप कीमत भी कह सकती हैं। अगर चाय आप पिला रहे हैं तो कीमत मैं क्यों दूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। चाय की कीमत नहीं मांगूंगा मैं आपसे, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आप चाय के साथ क्या लेना पसंद करेंगी। पैटीज खाएंगी, केक्स लेंगी, पेस्ट्रीज लेंगी? हाँ, मैं पेस्ट्री ले लूंगी। नहीं, यही तो नहीं कहना है ना आपने, बस आप कहिएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाय ही पीऊंगी। पर मैंने तो पेस्ट्री खानी है। आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती? मैं आपको पेस्ट्री नहीं खिला सकता ना। क्यों? मेरे पास सिर्फ चाय के लिए ही पैसे हैं। तो फिर आप पूछते ही क्यों हैं कि आप क्या लेंगी? गाड़ी से भी तो पूरी करनी है ना। अच्छा चलिए, आप गाड़ी शुरू कीजिए, मैं आपको ले आता हूँ। मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, कुछ खाऊंगी नहीं। भाई, आपने तो बहुत ही जल्दी कर दी ना। अरे भाई, इतना तो इंतजार किया होता कि मैं आपसे कर्टेसी से ही पूछ लेता कि क्या खाएंगी आप। मुझे जल्दी है, मैं जल्द से जल्द जानना चाहती हूँ कि मैं आपसे इस तरह बार बार क्यों मिलती हूँ। डेस्टिनी, किस्मत। क्या मतलब? देखिए, भगवान आपसे बार बार कह रहे थे। कह रहा है भगवान मुझसे? कहते हैं ना, लेकिन मुँह से नहीं बोलते, इशारों में बात करते हैं। और जो उनके इशारे समझ जाए भाई, वो तो खुशकिस्मत, और जो ना समझे वो बेचारा बदकिस्मत। और आपका भगवान मुझसे क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, यही है वो। अरे यही है वो।
यही है वो? जी हाँ, जिससे आपको बार बार मिलना चाहिए। ओ, तो आप ये साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे मिलना चाहते हैं? जी हाँ। और आप मुझे एक भी वजह बता सकते हैं कि मैं आपसे क्यों मिलूं? क्यों नहीं, क्योंकि मैं ही हूँ वो जो आपको आपसे मिला सकता है। मेरा मतलब, क्या नाम बताया था आपने मुझे अपना? मीता। मीता, क्योंकि मैं ही आपकी मुलाकात मीता से करा सकता हूँ। जी, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आप मीता से मिली हुई हैं? जी नहीं। फिर मैं आपकी मुलाकात मीता से करवाऊंगा। कब? आप क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी, पेस्ट्री? मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। दो चाय। ये तुमको अच्छी लगी है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। Absolutely unrealistic. Unrealistic? ये तुमको unrealistic लगता है? तुमको वो पिकासो जो अपनी क्यूबिक आर्ट बनाता है तो he's not unrealistic. वो ठीक है। वैन गॉग अपनी वो सरलिस्टिक सनफ्लावर्स वगैरह बना रहा है तो वो ठीक है। गोगोल की वो मोटी मोटी फिगर्स, those are realistic, right? ये unrealistic है। मीता, देखो, आर्टिस्ट जब अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है तो समटाइम्स ही सो बॉक्ड डाउन, वो सारे फॉर्मेशन से, आर्ट फॉर्म से इतना घिर जाता है कि वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। एंड दैट इज द टाइम कि अगर वो अपनी आर्ट को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो फॉर्म, आर्ट फॉर्म को तोड़ दे, वो असूलों को तोड़ दे। एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन आवर स्टैचूज, हमारे ये अजंता के स्टैचूज, एलोरा, खजुराहो, दैट इज व्हाई दे आर सो ब्यूटीफुल, बिकॉज उन्होंने ये आर्ट फॉर्म तोड़ा है, उन्होंने ये असूल तोड़े हैं। दैट इज व्हाई अपना वैन गॉग इज वैन गॉग, पिकासो इज अ पिकासो। अजंता की पेंटिंग्स के अंदर दिखाया गया है कि जब बुद्ध निर्वाण अचीव करके वापस आते हैं तो he's really huge, बहुत बड़े हैं वो, और उनकी वाइफ और उनका बच्चा जो है वो छोटे से दिखाए हैं। व्हाई? इट इज इसलिए कि वो उनका स्टैचर दिखाया गया है। That is the feeling. Unrealistic है, surely they are unrealistic, लेकिन उनका स्टैचर दिखाया गया उसके अंदर। And ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? बिजनेस वुमन, आर्ट एंड बिजनेस। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। कॉफी नहीं पिलाओगे? इस बुक के लिए तो कुछ भी करूँगा। एंड प्रॉमिस मी यू विल मेक अ वैरायटी ऑफ स्टैचूज नाउ।
रहे थे तुम केवल? हेलो मिता, मैं कह रहा था कि मैं तो जो कुछ भी कहूँ तो नाराज हो जाती हूँ। तो जब देखो मुझसे बहस करते हो। बहस नहीं कर रहा हूँ मैं मिता। देखो ना, अब मैं जिस किसी दुकान पर भी अपना सामान बेचने जाता हूँ, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, कोई सामान खरीदता ही नहीं है मेरा। एकदम कोड़ियों के दाम दे रहे हैं मुझे वो लोग। तो तुम जाते ही क्यों छोटी सी दुकान पे? अब मैं अपना सामान पेरिस भेज दूंगा, ठीक है? पेरिस? तुम्हारा सामान पेरिस जाना चाहिए। देखो मीता, शायर मैं हूँ, ये शायरी की बातें सब मुझ पर ही छोड़ दो आप। तुम थोड़ी अकल की बात क्या करो। अकल की तो बात कर रही हूँ। गो टू अ प्लेस वेयर यू गेट अ गुड प्राइस फॉर योर गुड्स। बड़ी दुकान, छोटा दुकानदार तो मेरा सामान खरीदता नहीं, बड़ा दुकानदार जरूर खरीदेगा मेरा सामान। अगर तुम उसे कोई इंसेंटिव दो तो जरूर खरीदेगा। क्या करूँ, घूस दूँ उसे? घूस नहीं, कमीशन, हायर कमीशन। और पैसे उस टाइम तक ना लो जब तक तुम्हारे गुड्स ना बिके। वैसे तुम भी कभी कभी अकल की बात कर ही लेती हो। मैं इंटेलिजेंट हूँ ये मुझे पता है। तो ठीक है इंटेलिजेंट साहब, अब ये भी बता दीजिए कि कौन सी दुकान पर जाऊँ मैं। गुरंग एंड सन्स। गुरंग एंड सन्स कहाँ है ये? वो दुकान, तुम वहाँ जाओ, मैं यहाँ ही तुम्हारा देख रहा हूँ। क्या हुआ? डन। थैंक गॉड। थैंक यू वेरी मच मीता। ये थैंक यू क्यों, फिर से कभी मत कहना, मैंने अपने लिए किया है। अच्छा ट्रीट नहीं दोगे आज? जरूर। पेस्ट्री खिलाओगे? नहीं पेस्ट्री अभी नहीं, अभी सिर्फ चाय। चलो फिर चाय पीते। चल चल चल। बैलेंस मैम? वो आपका बैलेंस कितना है? 150। 50 चेंज नहीं होगा तेरे पास इस पर्स में। कितनी बार कहा है तुझे कि एक छोटा सा पाउच बना ले और उसमें चेंज रख ले। कितना सा? तुम ही दे दो ना एक पाउच मेरे को। कमला से क्या कहा, तुझको एक पाउच बनवा दूंगा मैं। सच्ची? चल। मीठा, मेरे गांव में ये सब नहीं मिलता, बड़ा ही सादा सा और साधारण सा गांव है मेरा। मुझे कब ले जाओगे अपने गांव? कोई पागल है, वहां तुझे ले गया ना तो ताया जी जुतियां मार मार के सरगंजा कर देंगे मेरा। क्यों? बोलेंगे ओए खोतिया, शादी से पहले लड़की को लेकर घूम रहा है। पुराने विचारों वाले आदमी हैं तुम्हारे ताया जी। पता है मीठा, अगर कमला का सर से दुपट्टा उतर जाए ना तो चोटी खींच के ले जाते हैं मारते मारते कर। मुझे तो ताजी से अभी से डर लगने लगा। तू मत डरा, तुझे कुछ नहीं करेंगे। क्यों, अगर मेरी चोटी पकड़ के घसीटा तो? नहीं बिल्कुल नहीं यार, बेटियों को डराते हैं वो लेकिन बहुओं से बहुत डरते हैं खुद वो। भाई मीता मैं तो ठहरा दिखाती हूँ, तू तो शहरन है, तू बता तू मुझे अपने भाइयों से कब मिला रही? मैं क्यों मिलाऊं अपने भाइयों से तुम्हें? समझ गया मैं, तू चाहती है कि मैं खुद वहाँ पर आऊँ और तेरा हाथ मांगू तेरे भाइयों से। हाँ होना तो ऐसा ही चाहिए। एक बात है मीता, अगर मुझसे मिलकर उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे पीट दिया तो? देखो केवल, मेरे से शादी करनी है ना तो मारपीट तो होगी ही होगी। तो मैं क्या करूँगा? आजकल खूब दूध पिया करो, खूब घी खाया करो ताकि मेरे भाइयों की मार बर्दाश्त कर सको। बात बता, क्या ये शादी वादी का चक्कर बिना मारपीट के नहीं हो सकता? ये तो मुश्किल है। तो तू ही मार ले एका थप्पड़ जो मारना है। वो शादी के बाद होगा। केवल मुझे नहीं लगता मेरे भाइयों को कोई इतराज होगा। काम काज तो तुम्हारा है ही, पढ़े लिखे भी हो और शक्ल सूरत भी ठीक ही है। सिर्फ ठीक ही? तुम तो कहा करती कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। मेरा क्या, मुझे तो बैंगन भी अच्छा लगता है। भाई वाह। वाह क्यों? आज तो आपके लीड़े पंजाबी हैं। ये लीड़े क्या है? लिबास। लिबास?
भाई लिबास का मतलब गुलजार। शायर साहब आप हिंदी में बोलिएगा। भाई गुले गुलजार। मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कीजिएगा। भाई सीधी सादी भाषा में आपको कह रहा हूँ कि आपकी ड्रेस आज पंजाबी अच्छी है। अच्छी है। ये सब ताई जी को मिलने की प्रिपरेशन है। देखो ये दुपट्टा भी मैंने अब सिर पे करना सीख लिया है। बहुत अच्छा है। इस बात पे सेलिब्रेशन हो जाए। आप बताइए क्या खाएंगे यार? पैटीज मंगाऊं आपके लिए, पेस्ट्रीज मंगाऊं, केक्स मंगाऊं, सैंडविचेस मंगाऊं, क्या? मैं एक कप चाय पी लूंगी। नहीं आज तो मीता तुम वाकई कुछ ना कुछ खा ही लो। वैसे तो मुझे कहते रहते हो मीता कुछ मत खाना, मेरे पास पैसे नहीं है। आज मेरे पास पैसे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? वो गुरुंगन कंपनी की पहली इंस्टॉलमेंट मिली है ना आज। शुक्र है अब आप कामयाब आदमी बनने लगे हैं। जी हाँ, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और मेरे पीछे हैं आप। मैं आपके पीछे नहीं हूँ, आपके साथ हूँ, आपकी बराबरी में। यस, आप मेरे साथ साथ ही। तो क्यों ना आप चाय के साथ हम कुछ खा भी लें। आपकी जिम्मेदारियाँ काफी हैं। कमला की भी शादी करनी है, गुरुशरण की बहन की भी शादी करनी है। आपकी शादी भी तो करनी है मुझे। वो तो बाद की बात है, पहले कमला की शादी के दहेज के कुछ कपड़े लेने हैं। वो अभी ले लें चल के? वो सब तो होता रहेगा। ऐसे करते हैं पहले चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। आज की चाय के पैसे भी उन्हीं में डाल देते हैं। ठीक है चलिए। मीता ये कमला के लिए कैसा रहेगा? ये वाला दुपट्टे बिना ताया जी ने देख लिया ना कमला को, इसमें कैद कर देंगे घर में, इसे वापस रख दो। ये देखो केवल ये ठीक है मीता के लिए। ये बहुत सुंदर है, सुन दो दुपट्टा भी है। क्यों ना मीता माँ जी के लिए भी हम यहीं से कुछ कपड़े ले। केवल तुम बोल क्या रहे हो, माँ जी के लिए यहाँ से? लो मीता आ गई है। गौरी मीता के लिए बिस्किट लेके आना। देख लो भाभी मेरे दोनों भाई मुझे फैक्ट्री में अकेला छोड़ के यहाँ बैठे हैं। और याद है जिस दिन मैं जल्दी आ गई थी, यही प्रकाश भैया ने क्या तूफान खड़ा किया था। बड़े सजे हुए हो, कहाँ जा रहे हो? जलंधर। क्यों कोई पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? ए। इतनी जल्दी इधर भैया ना कटवाने वाले नहीं है, तेरी डोली उठाकर ये काम करेंगे। देखा भाभी ये रेपुटेशन है मेरी और ये सब कुछ इसका क्या धारा मेरा। तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले मगर प्रकाश और गौरी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। सुना पापा जी की बात। चाय भी। फिर क्या करने जा रहे हो? तेरे भैया तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। तेरी मौसी ने लिखा है उनके पड़ोस में एक अच्छा लड़का है। वो तो तेरी शादी पक्की कर रही थी, पापा जी ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका है। पापा जी ने तो उन्हें लिख दिया कि जब तक लड़के को देख नहीं लेंगे खुद और जब तक हमारी लाली बहन उसे देखकर हाँ नहीं कह देगी तब तक हम उसकी शादी हरगिज नहीं करेंगे। समझे? मैं तेरे लिए जलंधर लड़का देखने जा रहा हूँ। भाई हमने देखा घूंघट करना तूने सीख लिया, अब तुझे एक अदद सास की सख्त जरूरत है। पसंद आ गया तो फिर तुझे और गौरी को दिखाएंगे, फिर ही ये हाँ करेंगे। भाई हम तो ये चाहते हैं लड़का अच्छा गुण वाला हो, कोई काम वाम करता हो, अच्छे घर का हो। और कुछ है तो तुम कह दो। मेरी पसंद क्या आप सबसे अलग होगी? जो आपको पसंद होगा क्या वो मुझे नहीं पसंद होगा? मैं तो बस एक बात कहना चाहती थी। कहो। आपका प्लान ये है ना कि लड़का पहले आप देखें फिर मैं देखूं, ये प्लान क्या उल्टा नहीं हो सकता भाभी? मतलब लड़का पहले मैं देख लूं और फिर आप सब देखें? तू लड़का देखने क्या जलंधर जाएगी? गौरी बात मेरी समझ में आ गई है, तेरी समझ में नहीं आई? भाभी क्या कह रही? प्रकाश ये कहना चाहती है कि इसने लड़का पसंद कर लिया है और ये हमारी मंजूरी चाहती है। अच्छा तो ये बात है। हमारी लाडो की पसंद बुरी नहीं हो सकती। पापा जी
भाभी जी ठीक कह रही हैं। पापा जी, लड़के में जरूर कुछ खास गुण होंगे, नहीं तो ये नकचड़ी ऐसी किसी को पसंद करने वाली नहीं। पगली, जब लड़का तुम्हें इतना ही पसंद है तो उसे एक नजर हम भी देख लें। भैया, बस एक ही नजर देखना है, और कुछ लो ना। नहीं, थैंक यू बाबा जी, बहुत हो गया। और लो ना। अरे मेहनत मशक्कत करते हो, लो। आपके घर में और कौन कौन है? भाभी जी, घर में माँ है मेरी, छोटी बहन है कमला, और मैं हूँ, बस हम तीन हैं। और आपके पिताजी? उनका तो देहांत हो गया काफी साल पहले, स्कूल मास्टर थे वो। स्कूल मास्टर? नहीं, एक बात तो मैं आप सबसे साफ साफ कह दूं, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। गांव में छोटी सी जमीन है हमारी, जो मेरे ताया कृपाल सिंह जी को मैंने हिस्से पर दे रखी है। बड़ी बड़ी सादी सी जिंदगी है हमारी, जैसे गांव में होती है। अरे क्या कहते हो, अरे भाई, कलाकार और अपने हाथ से कमाकर खाने वाला कभी गरीब नहीं होता। केवल शादी तो इंसान से की जाती है, पैसे से तो नहीं की जाती। अब मीता के भाई साहब को ही देखो, उनके पास एक छोटी सी दुकान थी, और अब भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। इंसान तो मेहनत से बनता है, और तुम तो मेहनती इंसान हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए। कितना पढ़े लिखे हो? बीए किया है मैंने भाई साहब, और फिर बीए के बाद बहुत नौकरी तलाश की, बहुत जूते घिसाए, लेकिन कहीं मजा नहीं आया। फिर मैंने और गुरशरण ने गुरशरण मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, गुरशरण और मैंने फिर ये कारोबार शुरू किया, ये लकड़ी के स्टैचूज बनाने का। वो कारपेंट्री में था, साथ ही पढ़ता था मेरे, और मैं आर्ट्स में था, तो हम दोनों ने वो कारोबार चलाया। कितना कमा लेती हो? शुरुआत में तो यही कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये कमाता था, लेकिन अब मीता ने वो गुरुंगन कंपनी वालों से मिलवा दिया है, तो उसकी वजह से मेरे हिस्से में कुछ 5-6 हज़ार रुपये आ जाते हैं। अब तो बस मैं और गुरशरण चाहते हैं कि अपना ये कारोबार और बढ़ाएं, अपना खुद का शोरूम हो, तो पैसे जमा कर रहे हैं। फिर उसके बाद कमला की भी शादी करनी है, गुरशरण की एक छोटी बहन है, उसकी शादी करनी है। अब तो बस कारोबार ही बढ़ाना है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं। जब ऐसी जिम्मेदारियाँ लोगे तो काम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे ये तो अब साग और रोटी भी खाने लगी है, और कभी कभी तो गिलास में चाय भी पीती है। प्रकाश, तुम्हारे भाई साहब नहीं आए? भाभी, भैया टेक्सटाइल कमिश्नर के पास गए हैं, उसका आने में कुछ देर हो जाए। हाँ भी केवल, हमने सुना तुम शायर भी हो। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी पंजाबी में थोड़ा लिख लेता हूँ। अरे तुम शायर भी हो, उसमें भी बड़ी कमाई है। हाँ भाभी, इन्होंने बहुत अच्छा गीत लिखा है पंजाबी में, सुनाइए ना वो मेरी माँ बोली पंजाबी। अरे सुनाइए ना। अरे सुनाओ ना भाई। इस वक्त तो अभी तो मुश्किल होगा, अभी कैसे, कभी और आराम से सुनाऊंगा। सब कह रहे हैं सुनाओ ना। क्यों भाई, अभी क्यों नहीं, अभी हम घर वाले ही तो सारे बैठे हैं, कुछ सुनाओ ना। सतलुज वर्गा जोश एस दा बदल वांग हमारे, मेरी माँ बोली पंजाबी, मेरी माँ बोली पंजाबी। सॉरी पोता। लो, अब तुम्हारे भैया भी आ गए। पापा जी, ये क्या? और मेरे घर में तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहां से, आई से गेट आउट। और सुनो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें मीता के नजदीक भी देखा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
नमस्ते जी।